आज जो कहानी आप देखेंगे वो है शैलजा की। एक महिला जिसका कहना था कि उसका पति एक राजकुमार है और वो एक राजघराने की बहू। लेकिन राजघराने की ये बहू रह रही थी मुंबई के दहिसर इलाके की एक छोटी बस्ती में। शैलजा उस तरह के इंसानों में से थी जो इतने अच्छे और सच्चे होते हैं कि यकीन करना मुश्किल होता है कि उनका कोई दुश्मन भी हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी किसी ने उसकी जान लेने की कोशिश की थी। आखिर क्यों? अरे काय झाला? आवाज कुठून आला? अरे मंजू, निशा, क्या हुआ? कुछ आवाज सुनाई दे रही थी। अरे बाप रे, मैंने कहा था वो आएंगे। डॉक्टर को बताइए ना। अरे पुलिस को इन्फॉर्म करो जल्दी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हर पोजीशन इज वेरी क्रिटिकल। किसी ने जानबूझकर इनके सर पर पीछे से वार किया। ये तो इनकी किस्मत अच्छी थी, ये बच गई। थैंक यू डॉक्टर। नमस्ते। आप इस लड़की की माँ है? नहीं साहब, मैं शैलजा की पड़ोसी हूँ। रात को किसी को एक को रुकना था तो मैं रुक गई साहब। उसकी शादी हो गई? हाँ साहब। उसका पति रिश्तेदार? अब मैं क्या बोलूँ साहब, हे दर दिवस नाटक है नळावरचं। सारखं भांडत राहतात, तरुण पोरी असून पण मला माझ्याशी भांडत असतात। मला लय कंटाळा या लोकांशी। अच्छा, नाश्ता रेडी है? आप मेरे साथ खाओगे या बाद में खाओगे? ओफो, कुछ पूछ रही हो? वैसे बहुत अच्छा बना है, अभी भी वक्त है, आ जाओ। लो फिर ये न्यूज़पेपर। जब भी ये न्यूज़पेपर आता है ना आपके हाथ में तो ऐसा लगता है आप तो यहाँ है ही नहीं, मैं तो दीवारों से बातें कर रही हूँ। मुझे पता है सुधरोगे नहीं। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, आपका नाश्ता डाल के ही जा रही हूँ। खा लेना, खाना ढक के जा रही हूँ, खा जरूर लेना। और प्लेट धोने वोने के चक्कर में मत पड़ना, मैं धो लूंगी आके। अच्छा मैं जा रही हूँ, बाय। हाँ देखो, दवाई लेना तो भूल ही गई। आप नहीं होते ना तो पता नहीं मेरा क्या होता। अच्छा जा रही हूं, लव यू। शैलजा बहुत अच्छी लड़की है, अपने काम से काम रखती है। समझ में नहीं आता उसका दुश्मन कौन है। इसे भगा रे। मुझे कुछ नहीं पता साहब, मेरी ज्यादा उससे बातचीत तो नहीं होती थी, बस आते जाते कभी कभार थोड़ी बहुत हो जाती थी। और हाँ साहब, आज तक मैंने कभी उसके मर्द को भी नहीं देखा है। शैलजा बहुत अच्छी औरत है साहब, मैंने उसको कभी किसी से झगड़ते हुए नहीं देखा। 6 महीने पहले इधर रहने को आई थी वो। क्या हुआ, क्यों रो रही है तू? नहीं नहीं रो कर रही हूँ, वो आंख में कुछ चला गया था मेरे जैसा। अभी रहने आई है तू? अकेली है तू? नहीं अकेली कहाँ, वो मेरे हस्बैंड है ना साथ में, वो अभी किसी काम से गए, आते ही होंगे। मैं यही पास में रहती हूँ, मेरा नाम मंजू है। मैं कुछ मदद कर दूँ सामान रखने में?
नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। वो दरअसल मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं मैं ज्यादा किसी से बात करूं। बाकी आप इतनी मदद कर रही हैं उसके लिए थैंक यू। वैसे क्या करते हैं वो? कौन? अरे वही तेरा मर्द और कौन? ओ मेरे हस्बैंड। दरअसल ना मेरे हस्बैंड बहुत अमीर है, बहुत पैसे वाले हैं। वो ना राजघराने से है, राजकुमार है मेरे हस्बैंड। इसीलिए तो आज तक कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो तो मजबूरी में यहाँ आना पड़ा। लव मैरिज है ना तो फैमिली वालों ने नाराज होकर रिश्ता ही तोड़ दिया। बस सोच रहे हैं नया बिजनेस शुरू करेंगे, उसी के सिलसिले में किसी से मिलने गए हैं। अच्छा, आप छोड़ दीजिए मैं कर लूंगी। तभी का तभी आइडिया पड़ गया था मेरे को कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन बोल के मुझे क्या करना था। लेकिन बिचारी को अपने पति पे बहुत भरोसा था। हाँ साहब, खुद के लिए वो खर्च करने से पहले 50 बार सोचती थी, और पति के लिए तो वो जितना खर्च करती उतना कम था उसके लिए। ये कॉलीफ्लावर कैसे दिया? वैसे तो 20 रुपए पाव किलो है, पूरा चाहिए तो 100 में पड़ेगा आपको। अच्छा ये एक दे दो। अरे ये ले ना, 5 रुपए पाव पड़ेगा, ऊपर से काला है लेकिन अंदर अच्छा है। भैया ये दे दे। नहीं नहीं नहीं, मेरे पति फ्रेश सब्जी खाते हैं, यही दे दो। अरे सुन शैलजा, ये पुष्पा। अरे तू काहे को मुझको रोक रही है, आज मैं इसको बोलने ही वाली थी। अरे जाने देना, अगर वो खुश है तो उसे रहने दे। सपनों की दुनिया में जी रही है वो, एक दिन बहुत तकलीफ होने वाली है उसे। मैंने कुछ उस पर जुल्म नहीं किया साहब, जो सच था वही बोला, वो सच जो किसी और को कहने की हिम्मत नहीं थी। आप कब तक नहाएंगे? 10 मिनट में दाल भी रेडी हो जाएगी, जल्दी आइए, पानी खत्म हो जाएगा। पता है ना कितनी दूर से यहाँ पानी लाना पड़ता है, जल्दी आइए। अरे पुष्पा, थोड़ा घी चाहिए था, सुबह खत्म हो गया। तुझे तो पता है बच्चे घी के बिना रोटी नहीं खाते। कल लौटाती हूँ मैं तुझे। हाँ, अरे वो बनियान मैंने टावल के पीछे ही टांगी थी, अच्छे से देखो टावल से छुप गई होगी। ये भी ना, अरे पुष्पा वो मैंने ना दाल बाटी बनाई है, और तुझे तो पता है बाटी में कितना घी लगता है। अब मेरे पास भी थोड़ा ही घी था, और वो भी तुझे दे दूंगी तो इनको क्या दूंगी, खामा खा नाराज हो जाएंगे। अरे तू एक काम करना, निशा से ले ले मेरी दाल। बंद कर अपना ये तमाशा, नहीं तो आधी पागल से पूरी पागल हो जाएगी एक दिन। अरे क्या लगा रखा है, मेरा पति ये, मेरा पति वो, कहाँ है तेरा पति? चल दिखा, क्या दिखा दे, कहाँ है? अरे किधर है, भाग गया क्या? हाँ जब देखो पति की बात करती रहती है, किससे बात करती रहती है तू? चल आए इधर और देख, देख यहाँ कोई दिखा तुझे? अरे अकेले रहती है तू यहाँ पर, समझी? जब देखो मेरा पति ये, मेरा पति वो लगा रखा है। अरे छोड़कर भाग गया है वो तुझे, अब नहीं आएगा, समझी? क्या बोली तू? क्या बोली? चुप हो जाना। वो आएंगे ना? तू इतना प्यार करती है ना तो वो जरूर आएंगे। चुप हो जा बच्चा, चुप हो जा। आएंगे? चुप हो जा। आएंगे? हाँ मेरे पति आएंगे, आएंगे। हाँ हाँ आएंगे। चले जा, दवाई कहाँ है? कौन थी ये शैलजा और क्या चल रहा था उसकी जिंदगी में, और कौन था उसका पति जिसके आने की आस वो छोड़ना नहीं चाहती थी? लेकिन छोड़कर तो वो जाते हैं जो साथ होते हैं, पर शैलजा के साथ तो किसी को किसी ने कभी नहीं देखा था। तो क्या वो किसी दिमागी बीमारी का शिकार थी जिसकी बातों पर यकीन नहीं किया जा सकता था? अगर ऐसा था तो एक गरीब कमजोर बीमार और अकेली औरत किसी का क्या बिगाड़ सकती थी, क्या नुकसान पहुंचा सकती थी किसी को, और किसके लिए खतरा हो सकती थी, वो भी इतना बड़ा कि उसे हमेशा के लिए खामोश कर देने की कोशिश की जाए।
साहब लगता नहीं है कि उसके साथ कोई और भी रहता था। हो सकता है उसकी दिमागी हालत खराब हुई हो और उसके पति ने उसे छोड़ा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसके पति ने उसे छोड़ने के बाद उसकी दिमागी हालत खराब हो गई। यह तो सवाल ये उठता है कि शैलजा के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। वो कहाँ की है, मुंबई की है या बाहर से आई है, उसके रिश्तेदार कौन है, उसके माता पिता कौन है, किसी को भी कोई क्लू नहीं। सर कैसे कहे ना कि एक सर सब ये देखिए ना, ये साड़ियाँ, ये बाकी सब चीज़ें सारी महंगी लगती हैं। एक स्लम एरिया में रहने वाली औरत के पास इतनी महंगी चीज़ें अजीब लगती। सर ये मोबाइल हुआ मिला। साहब ये मेडिसिन, निशा ने बताया था कि शैलजा की दिमागी हालत कुछ खराब थी, उसके लिए वो मेडिसिन भी लिया करती थी, लगता है ये वही है। इतनी सारी दवाइयाँ? यादव अगर हमें इस केस में आगे बढ़ना है तो हमें इस केस के पीछे जाना होगा। इस अटैकर की अगर हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें लड़की की जिंदगी की डिटेल से ही मिलेगी। ये लड़की यहाँ पहले ही यहाँ पे रह रही थी, लेकिन है ये लड़की अच्छे घर की। पता लगाओ कि उसका कोई पति है भी कि नहीं, और अगर है तो कौन है और कहाँ है। अरे हाँ यादव, एक फोन मिला था ना। फोन दे। सर इस कॉल लॉग में तो एक ही नंबर दिखाई दे रहा है। एक ही नंबर, और कोई दूसरा नंबर है भी नहीं, और इसी नंबर पे उसने कॉल किया और कॉल रिसीव किया है। इसका मतलब ये है कि ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, किसी करीबी का या फिर किसी रिश्तेदार का। या फिर ऐसा भी हो सकता है ये उसी शख्स का नंबर हो जिसने शैलजा पर अटैक किया। कितनी बार कहूं यहाँ पे फोन नहीं करना, अब कोई रिश्ता नहीं है हमारा तुम्हारे साथ, तुम यहाँ कभी नहीं आओगी। जी सर, शैलजा हमारे यहाँ पहले काम करती थी। आदत लगा रखी है ना लेट आने की। मैंने कल भी तुम्हें समझाया था कि मुझे सुबह में कितनी प्रॉब्लम होती है, खुद ऑफिस के लिए निकलना होता है और साफ का सब रेडी करना होता है और तुम के क्यों लेट आती हो हर वक्त। मैडम सॉरी, वो मुझे अपने हस्बैंड का नाश्ता बनाना था। प्लीज तुम मुझे सारी कहानियां मत सुनाओ, जाओ जाकर रोहन बाबा को उठाओ और तैयार करो, वरना स्कूल बस मिस हो जाएगी उसकी। नहीं नहीं, मैं उसे दो मिनट में रेडी कर देती हूँ। तो ये साक्षी, वेयर इज माय टाई यार। रमेश तुम खुद नहीं ढूंढ सकते, मुझे भी रेडी होना है, आई एम आल्सो गेटिंग लेट। चलिए जल्दी उठिए, स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। चलिए रोहन बाबा, चलिए उठिए, स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। चलो जल्दी नहाने चलो। चलो अच्छा आप सुनो, रोहन बाबा को स्कूल बस में छोड़ने के बाद तुम घर आके डस्टिंग करना, सारे फैंस क्लीन करने, बहुत धूल जम गई है उनपे। उसके बाद मशीन में कपड़े डाल देना, रोहन बाबा को लेने प्लीज टाइम से चली जाना, ये ना हो कि उसकी बस चली जाए और उसे वहां तुम्हारा वेट करना पड़े, ठीक है। उसके बाद उसे स्नैक्स दे देना और 3 बजे उसे लेकर आर्ट क्लास चली जाना, समझ गए ना तुम जी। कभी कभी लगता है ना हमने गलती कर दी इसको काम पे रख के, देखा ना तुमने कुछ याद नहीं रहता इसको, पता नहीं हमेशा कहाँ लॉस्ट रहती है ये। सच कहूं तो मुझे रोहन के लिए डर लगता है कभी कभी। डोंट बी सो मीन साक्षी, अरे जब से उसने ज्वाइन किया उसने एक भी छुट्टी नहीं ली। बैठो, कितनी सिंसियर है वो और रोहन से प्यार भी करती है, राइट? कभी आप लोगों ने शैलजा के पति को देखा है, कभी उससे मिलने आया हो या पिकअप करने, या फिर आप दोनों ने कभी उसके पति की फोटो उसके पास देखी है? जी नहीं, मगर वो उसके बारे में बातें किया करती थी, उसके पति के अलावा हार्डली कोई टॉपिक होता था उसके पास बात करने के लिए। क्या बातें किया करती थी? यही कि वो किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, प्रिंस है कहीं का। दरअसल ना मेरे हस्बैंड बहुत अमीर हैं, बहुत पैसे वाले हैं, वो ना राज घराने से है, राजकुमार है मेरे हस्बैंड। ऐसी बातें सुनने में जरा अजीब तो लगती हैं, मगर उसकी चीजों से ये क्लियर था कि वो जरूर किसी अच्छे घर की है, तो उसका पति भी ठीक ठाक ही होगा। कभी कभी बुरा लगता था उन लोगों के लिए
कि हालात के चलते उन्हें इस तरह की टफ लाइफ बितानी पड़ रही है। अगर शैलजा अच्छी थी फिर भी आप लोगों ने उसके खिलाफ FIR दर्ज की, क्यों? एक्चुअली सर, शैलजा उस दिन हमारे बेटे रोहन को आर्ट क्लास ले गई थी। उसे हमारे लौटने से कई जल्दी पहले वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन जिस वक्त हम दोनों ऑफिस से वापस लौटे तो दरवाजा लॉक था। शैलजा और रोहन दोनों का ही कोई पता नहीं था। हमने शैलजा को मोबाइल पे काफी ट्राई किया लेकिन वो फोन ही रिसीव नहीं कर रही थी। पता नहीं कहाँ चली गई ये औरत मेरे बच्चे को लेकर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पुलिस का भी फोन नहीं आ रहा। मैंने कहा था ना आपसे कि ये औरत ठीक नहीं है हमारे बच्चे के लिए, मगर आपने मेरी बात नहीं सुनी। आपको बहुत यकीन था ना इस पे, जस्ट बिकॉज वो उसी स्लम में रहती है जिसमें आपका वो प्यून रहता है। व्हाट लॉजिक इज दिस? टेल मी व्हाट लॉजिक। रोहन, रोहन कहाँ ले गई थी मेरे बेटे को? उससे गलती हो गई, तुम पे यकीन किया और रोहन की देखभाल के तुम्हें हायर किया। इट्स माय मिस्टेक। लेकिन सर, आप प्लीज मेरी शट अप। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए सर। आज मैंने उनको देखा, अपने पति को, और वो किसी और औरत के साथ थे। मैं उनके पीछे भागी, उनसे पूछना चाहती थी कि वो औरत कौन है। और तो तुम ये बाद में भी पूछ सकती थी ना, तुम यहाँ आने के बाद अपने घर जाकर नहीं पूछ सकती थी उसे? इसीलिए तुमने मेरे बेटे को 6 घंटा उसके पीछे पीछे घुमाया। You are mad, पागल हो तुम? हाँ पागल हो, पागल हो चुकी हूँ जब से मैंने अपने पति को उस औरत के साथ देखा है। कि मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, पूछूंगी उससे कि वो औरत कौन है। मैडम मुझे माफ कर दीजिए। तुम जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से तुम। मैडम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सोचा ही नहीं कि मुझे सोचना चाहिए था कि रोहन आप लोग उसकी फिक्र कर रहे होंगे, मेरे दिमाग में ही नहीं आया। मुझे क्या हो गया पता नहीं, मुझे क्या हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। शैलजा दावा कर रही थी कि उसने अपने पति को देखा था। उसका यह दावा सच्चा था या फिर उसका बीमार दिमाग फिर से उसके साथ कोई खेल खेल रहा था, ये जान पाना मुश्किल था। लेकिन दोनों ही सूरतों में एक बात तय थी और वो ये कि उसे मदद की जरूरत थी। बीमारी चाहे शारीरिक हो या मानसिक, बीमार को सिर्फ 2 चीजों की जरूरत होती है, हमदर्दी और इलाज। अगर शैलजा को ये मिला होता, कोई उसे डॉक्टर या पुलिस के पास ले गया होता, तो पुलिस उसकी तरफ बढ़ रहे खतरे को पहचान कर उसकी रक्षा कर पाती और डॉक्टर उसका इलाज। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नतीजा, शैलजा आज कोमा में है, यानी कि मौत के मुंह में, और पुलिस अब तक ये नहीं समझ पा रही है कि उसे इस हालत में पहुंचाने वाला कौन हो सकता है। डॉक्टर साहब, कब तक होश में आएगी, कुछ आइडिया? देखिए, कहना तो मुश्किल है लेकिन टेस्ट के दौरान एक बात सामने आई है। अपनी अनस्टेबल मेंटल कंडीशंस के लिए ये लड़की जो भी दवाइयां ले रही थी वो एक्सट्रीमली हैवी डोज की थी, और इस तरह की हैवी डोज की दवाइयां अक्सर रेयर केस में दी जाती हैं, और इस तरह की दवाइयां लेने के बाद पेशेंट रोजमर्रा की जिंदगी नॉर्मल ढंग से नहीं जी सकता। मतलब कि वो हैलुसिनेट करने लगते हैं। आम भाषा में कहा जाए तो जिस चीज के बारे में वो सोचते हैं उन्हें दिखाई या सुनाई देने लगती है, और उन्हीं बातों को वो सच मानने लगता है। अब इन्हें इतने हाई डोज की जरूरत थी कि नहीं, इसका पता तो इनके होश में आने के बाद ही लग सकता है। शैलजा एक पढ़ी लिखी लड़की है, और अगर हम ये कहें कि वो जानबूझकर या फिर अनजाने में ये हैवी डोज की दवाइयां ले रही है तो दैट इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब साफ है कि कोई ऐसा इंसान है जो उसको ये हैवी डोज की दवाइयां दे रहा है। प्रिस्क्रिप्शन उसने अपने पास में रखा है, वो जानता है कि शैलजा पढ़ी लिखी है। प्रिस्क्रिप्शन अगर उसने देखा तो वो जान जाएगी कि जो दवाइयां वो ले रही है वो उसको ठीक करने के बजाय और बीमार कर देंगी। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि शैलजा पर जानलेवा हमला करने वाला और उसे दवाइयों की ज्यादा डोज देने वाला दोनों इंसान एक ही है? हो सकता है दोनों इंसान एक ही हैं, लेकिन अगर ये दोनों अलग इंसान हुए फिर भी इन दोनों में एक बहुत गहरा कनेक्शन है। तुम शैलजा के बैकग्राउंड के बारे में कहां तक पहुंचे? नहीं नहीं सर, इन्फॉर्मेशन तो दूर की बात है, कोई ऐसा क्लू भी नहीं मिला जिससे हम शैलजा की जिंदगी के बारे में पता चल सके। तुम एक काम करो यादव, पता करो कि शैलजा को खोली किसने दी, वहां से जरूर हमें कोई क्लू मिलेगा। ठीक है सर। ओए साहब, शैलजा को खोली मैंने दिलाई थी, पर बाला के कहने पे। बाला? ये बाला कौन है? वो भी मेरी तरह एक एजेंट है,
ये उसकी ही कस्टमर है, इसके लिए मैंने उसे खोली दिलाई। ये वाला कहाँ मिलेगा? हाँ साहब, उधर से पहले इसी बिल्डिंग में फ्लैट दिलाया था उसे, एक साल पहले। देखिए, एकदम बढ़िया व्यू। और मैडम, इस घर में जो पहले लोग रहते थे ना, वो लोगों ने आज खुद का घर ले लिया है। मतलब एकदम पॉजिटिव फ्लैट है। हाँ, वो तो है। तो बोलो, एग्रीमेंट कब कराना है? जितनी जल्दी पॉसिबल हो। मेरे हस्बैंड तो बिजनेस टूर पे बाहर गए हैं, तो मैं अकेली एग्रीमेंट करूंगी। ओके। और जितनी जल्दी हो सके हमें शिफ्ट करना है। आप परेशान हो गए हम होटल में रह के। होटल? हाँ साहब, मुझे भी यही कहा था वो लोगों ने कि एक सिटी से शिफ्ट हुए और एक होटल में रुके हुए। पार्टी भी अच्छी खासी थी और रेंट भी अच्छा खासा दे रहे थे, तो मैंने भी ज़्यादा पूछताछ नहीं की और उनका काम फटाफट करवा दिया साहब। ये बताओ कि शैलजा ने जब एग्रीमेंट करवाया तब उससे कोई आईडी प्रूफ लिया था तुमने, जिससे पता चले कि वो कहाँ की रहने वाली है? साहब, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं लिया। बिना आईडी लिए तुमने किसी अनजान औरत को फ्लैट दिलवा दिया? तुम्हें पता नहीं था? तुम्हें पता नहीं कानून में ऐसा करना ज़रूरी है? सॉरी साहब, मैं सोचा था कि उनके जाने के पहले उनसे प्रूफ ले लेता, लेकिन मेरे दिमाग से ही निकल गया। वो क्या है ना साहब कि 6 महीने में उनकी हालत ना एकदम खराब हो गई थी साहब। देखिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप मेरी प्रॉब्लम क्यों नहीं समझ रहे? मुझे पता है मुझे आपको रेंट देना है, लेकिन आप मुझे थोड़ा सा वक्त और दीजिए। फिलहाल मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। अरे क्या थोड़ा टाइम मैडम, 2 महीने का रेंट चढ़ा दिया आपने। अब मैं अपना काम धंधा छोड़ के आपके आगे पीछे दौड़ेगा? बोलो, आज मेरे को पूरा रेंट चाहिए बस। अरे लेकिन मैं पैसे कहाँ से लाऊं? आप क्यों नहीं समझ रहे? देखिए, मेरे पति का कुछ पता नहीं चल रहा है, वो कितने दिन से घर नहीं आए। अभी उसका मैं क्या बोलेगा मैडम? हाँ, अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तो फ्लैट खाली कर दो ना आप। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? मेरे पति पीछे आएंगे तो परेशान हो जाएंगे ना, मुझे कहाँ ढूंढेंगे? अभी हर तरफ से तो आपका नहीं चलेगा मैडम, ये फ्लैट मेरा नहीं है, पार्टी का है। अब वो मेरे पीछे पड़ेगा तो मैं उसको क्या बोलूँगा? आज आप पूरा रेंट दो या तो फ्लैट खाली करो बस। अच्छा, एक मिनट, आप ये रख लीजिए। अभी ये क्या है मैडम, इतने में क्या होएगा मेरा? अच्छा एक मिनट, मेरे पास और है, मैं आती हूँ। ये है मेरे पास, अभी के लिए आप यही रख लीजिए। मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं ये वापस ले लूंगी रेंट देके। ठीक है मैडम, लेकिन थोड़ा जल्दी करो। जल्दी क्या करती साहब, उसने तो मुझे और लटका दिया। मैडम की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, तो उसने मुझे उसका ज्वेलरी बेचने को कहा था, तो ज्वेलरी बेच के जो भी पैसे आए उतना दिन उनका काम चला। जब सब पैसे ख़त्म हो गए तो मैडम ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि कोई एक सस्ता सा मकान दिलवाने, तो मैंने एक दूसरे एजेंट को कह के उनको इसी एरिया में एक मकान दिलवा दिया था साहब। और इस बीच में उनका पति भी वापस नहीं आया था साहब, इसलिए मैडम ने उसका मिसिंग रिपोर्ट भी यहाँ नज़दीक के थाने में लिखवाया था साहब। जी हाँ, इस नाम के एक लेडी ने अपने पति के मिस होने की कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। एक मिनट, ये रहे। मधुर गायकवाड़? जी हाँ जी, मेरे पति कहीं चले गए, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है, गायब हो गए हैं वो। गायब हो गए मतलब? आपको लगता है आपके पति आपको छोड़कर कहीं चले गए? छोड़ के? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मधुर ऐसा क्यों करेंगे? मधुर तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो आएंगे, वो आएंगे ना? हाँ। अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रही हूँ, मुझे पता है वो आएंगे, देखना वो आएंगे। मैडम, क्या क्या हुआ आपको? अरे मुझे तो जल्दी घर जाना चाहिए, खाना बना के रखो ना, वो तो किसी भी वक्त आ जाएंगे। मैं जाती हूँ। हाँ मेरे समझ में आ गया था कि उन्हें कोई मेंटल प्रॉब्लम है, फिर भी उनके कंप्लेंट के ऊपर एक्शन लेते हुए हमने जांच शुरू कर दी।
बस तब से वो वापस ही नहीं आए। आप लोग ढूंढ लेंगे ना उन्हें? हम लोग ढूंढ लेंगे उन्हें। वैसे आपके पति की कोई फोटो नजर नहीं आ रही, आपके पास उनका कोई फोटोग्राफ है? हाँ, शादी का पूरा एल्बम है, मैं अभी लाती हूँ। शादी की एल्बम मैंने बहुत अच्छे से संभाल के रखी है, देखिए इसमें आपको बहुत सारी फोटोज मिल जाएंगी। अरे नहीं तो रे, फोटोज कहाँ है? फोटोज तो यही थी फोटोज। कोई बात नहीं, आप ही बता दीजिए, आपके पति दिखने में कैसे हैं, उनकी हाइट वगैरह? मेरे हस्बैंड बहुत हैंडसम है, गोरे लंबे, प्रिंस है ना, इसलिए बिल्कुल प्रिंस जैसे दिखते हैं। आपके पास उनके कपड़े तो होंगे, शर्ट पैंट, उससे हमें उनके हाइट का अंदाजा हो जाएगा। हाँ एक मिनट, कपड़ों का तो बहुत शौक है उन्हें, पूरी अलमारी भरी पड़ी है। आइए, ये कपड़े कहाँ गए? शायद इधर होंगे। अरे इसमें तो सिर्फ मेरे कपड़े हैं। वो हाँ, अब हो सकता है वो लंबे टूर पे गए हैं ना, इसलिए सारे कपड़े लेके गए होंगे। शादी कब हुई थी आप लोगों की, मतलब कहाँ पर हुई थी? आपके पास शादी का कोई और डॉक्यूमेंट है, मतलब मैरिज सर्टिफिकेट, मैरिज कार्ड या कुछ और? लेकिन हमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे अपने जिस पति को वो औरत ढूंढ रही है असल में वो था ही नहीं, और अगर था तो सिर्फ उसके ख्यालों में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि अपने शादी से लेकर पति के गायब होने तक जितनी भी कहानी उसने सुनाई, वो सुनकर ऐसे नहीं लगा कि वो झूठ बोल रही हो। बारीक से बारीक, छोटी से छोटी बात उसको याद थी, जिसकी उम्मीद किसी पागल से नहीं की जा सकती। उसने अपने पति की जो डिस्क्रिप्शन की थी उसे हमने एक स्केच बनवाया। हवलदार, बहुत कोशिश करने के बाद भी हम लोग इसे नहीं ढूंढ पाए, और ना ही इसे किसी ने पहचाना। ये भी नहीं पता कि असल में ये आदमी है भी या नहीं, या फिर उस औरत के दिमाग की उपज है। वहाँ 6 महीने पहले शैलजा नाम की औरत रहती थी, चौथे माले पर, फ्लैट नंबर 44। तुम जानते हो उसे? जानता हूँ साहब, बहुत भली औरत थी, जब यहाँ आई थी एकदम ठीक थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया था उन्हें, यहाँ से फ्लैट खाली करने के बाद भी कितने दिनों तक रोज यहाँ आती थी, वहाँ और वहाँ बैठकर ना जाने क्या देखा करती थी। तुम कहाँ हो मधुर, और कितना इंतजार कराओगे? सर ऐसी हरकत तो कोई पागल ही कर सकती है। नहीं पड़ी, भले ही वो औरत पागलों जैसी हरकतें करती हो, लेकिन वो औरत पागल नहीं है। भला एक पागल औरत को मारने की कोशिश कौन करेगा? हमला करने वाला और हमले की वजह दोनों का कनेक्शन उसके पास जिंदगी से है, लेकिन एक तरीका है हमें उस तक पहुंचा सकता है। बस यही दिया तुझे? हाँ साहब, 1 साल होने को आया तो मुझे भी इतना ठीक से याद नहीं है कि उसने मुझे क्या क्या दिया था, लेकिन जो भी कुछ दिया था साहब एक एक करके सब बिक गया, बस ये सब चीज रह गई थी साहब। साहब ये सब पे खाली सोने का पानी चढ़ा है, और ये अंगूठी तो पीतल की है, इसलिए इसको कौन खरीदता?
सर ये जालौर राजघराने की अंगूठी है। यादव, सबसे पहले हम जालौर के राजा जी से मिलेंगे, वहां से हमें कोई क्लू जरूर मिलेगा। दरअसल ना मेरे हस्बैंड बहुत अमीर है, बहुत पैसे वाले हैं। वो ना राजघराने से है, राजकुमार है मेरे हस्बैंड। राजा साहब, इस आदमी को पहचानते हैं आप? ये चेहरा कुछ देखा हुआ तो लग रहा है, पर कौन है ये मैं पहचान नहीं पा रहा हूं। सॉरी, इस अंगूठी को पहचानते हैं आप जिस पे आपका खानदानी चिन्ह है? याद कीजिए कि आपने कब और किसको ये दी। हाँ, इस तरह की अंगूठियां हम लोग खुशी के मौके पर अक्सर अपने रिश्तेदारों को या अपने मुलाजिमों को देते रहते हैं। अब ये मैंने किसको दी थी मैं कह नहीं सकता, मुझे याद नहीं। थैंक यू। साहब क्या हो गया? ये तो हमारा चोरा सुरेंद्र, हमारा चोरा। आप यकीन के साथ कह सकते हैं आपका बेटा ये? साहब हम इसके माँ बाप हैं, पहचानने में चूक कैसे कर सकें? ये थोड़ा अलग दिख रहा है इसमें, पर वही आंखें, वही नाक, साहब ये मारा ही छोरा है। कहाँ है ये अभी? कहाँ है? साहब, हमारे छोरे को भगवान ने 3 साल पहले उठा लिया। राजा साहब के यहाँ उनकी गाड़ियाँ धोने का काम करता था ये सुरेंद्र। जब हम लोग महल में हुई एक चोरी की तफ्तीश कर रहे थे तभी इसकी मौत की खबर आई। दरअसल वो बगैर किसी की परमिशन के राजा साहब की एक महंगी गाड़ी लेकर निकल गया और शायद कंट्रोल ना कर पाने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। चोरी और एक्सीडेंट का एक ही दिन होना ये साबित करता है कि चोरी उसी ने की थी। इंस्पेक्टर, आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि इस एक्सीडेंट में सुरेंद्र की मौत हो गई? जी सर, ये देखिए गाड़ी खाई के इस हिस्से से नीचे गिरी है और इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद बचना मुश्किल है सर। अब सवाल ये उठता है कि गाड़ी जब खाई में गिरी और सुरेंद्र गाड़ी के अंदर था जी, तो जब गाड़ी पाई गई खाई में तो सुरेंद्र की बॉडी क्यों नहीं मिली उसके अंदर? सर आपकी बात एकदम दुरुस्त है, लेकिन जब हम लोगों ने गाड़ी को नदी से बाहर निकाला तो उसके विंडशील्ड और दरवाजे टूटे हुए थे, तो हो सकता है कि उसकी बॉडी दरवाजों से बाहर निकल गई और पानी में बह गई। सुरेंद्र का कोई ऐसा दोस्त जिसके वो बहुत करीब था? ना साहब, वो उसका कोई दोस्त ना था, वो अकेला ही रहता था। जब छोटा था तब से वो अकेला रहता था। सुरेंद्र, आठे बेटे क्या कर रहे हैं? जा, जाके तू भी खेल उनके साथ। मैं और इन चिमड़ों के साथ खेलूंगा ही नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? खेल क्यों नहीं रहे उनके साथ? थारे बराबर के तो है सारे। आपकी बराबरी के होगे, मेरी बराबरी का तो उनमें से कोई है भी नहीं और हो भी नहीं सकता। अरे अरे छोरा सुन तो। अठे खाले एक ही चीज थी साहब जिससे उसे लगाव था, और वो था राणा साहब का महल। वो पूरा दिन महल के चक्कर ही लगाता था, और एक दिन दरबान जाओ, जाकर ड्राइवर से कहो
कि गाड़ी निकाले, किसी को छतरी लेकर भेजो हमें गाड़ी तक छोड़ने के लिए। धूप में चलने की आदत नहीं है हमें। हाय, ये केक कर रहे चेहरा राजा राजा खेल रहे मेरा बच्चा। आप क्या क्यों आए? जब देखो मेरे पीछे पड़े रहते हो, पीछा करते हो क्या? अरे देखा तो क्या हो गया बेटा, छोड़ो ना। अरे सुरिंदर सुन, जब बालक से जवान हुआ तब भी कोई बदलाव नहीं आया उसमें, वैसे कि वैसा ही था। कभी सस्ती चीजें उसे पसंद ही नहीं आई, महंगी चीजें, महंगे इत्र वाली बोतल। मारी इतनी औकात ना थी, लेकिन मारा इकलौता छोरा था तो हम घर की चीजों में कटौती करके हम उसके शौक पूरा करने की कोशिश करते थे जितना कर सकते थे। में ये नहीं आ रहा था कि वो हम जैसे गरीबों के घर में कैसे पैदा हो गया, और एक दिन अचानक वो हमें छोड़ के चला गया। और छोरा सरिंदर हमें छोड़ के चला गया। अरे हस्बैंड बहुत हैंडसम है, गोरे लंबे, प्रिंस है ना, इसलिए बिल्कुल प्रिंस जैसे दिखते हैं। 3 साल पहले जिस आदमी की मौत हो चुकी है उससे शैलजा की शादी कैसे हो सकती है? इसका मतलब यह है कि यह सब शैलजा के दिमाग का वहम है। नहीं यादव, ये शैलजा के दिमाग का वहम नहीं है, क्योंकि ये आदमी अपनी मौत से पहले जालोर में रहा और जालोर में ही इसकी मौत हो गई। सवाल ये उठता है कि शैलजा ने इसे देखा कहाँ? ना तो ये सेलिब्रिटी है, ना हीरो है, इसकी तस्वीर ना तो मैगजीन में छवी, ना अखबार में। और जब शैलजा ने इसको देखा ही नहीं तो फिर इसका स्केच कैसे बनवाया? तो आपको क्या लगता है? पॉसिबिलिटीज बहुत है यादव। हो सकता है सुरेंद्र की शक्ल शैलजा के पति से मिलती, या फिर क्या, या फिर जिस सुरेंद्र को उसके माँ बाप और पूरा जालौर मुर्दा मानता है दरअसल वो जिंदा है। और मेरी अपनी राय है कि वो इंसान जिंदा ही है। आखिरकार पुलिस ने उस शख्स को ढूंढ लिया जिसका स्केच शैलजा के बताए अनुसार तैयार करवाया गया था और जिसके बारे में शैलजा का दावा था कि वो उसका पति है। पुलिस को यह शख्स राजस्थान के एक छोटे से शहर जालौर में मिला था। उसका नाम सुरेंद्र था, पर उसकी मौत 3 साल पहले हो चुकी थी, यानी कि शैलजा की शादी से भी काफी पहले। तो फिर वो शैलजा का पति कैसे हो सकता था? इसके अलावा ना तो कभी शैलजा जालौर गई थी और ना ही सुरेंद्र कभी मुंबई आया था, और ना ही सुरेंद्र कोई जानी मानी शख्सियत थी कि जिसकी तस्वीर शैलजा ने किसी अखबार या मैगजीन में देखी होती। तो फिर शैलजा ने उसका हूबहू स्केच कैसे बनवाया? क्या रिश्ता था इस मरे हुए शख्स के साथ शैलजा का? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको देंगे कल रात 10:30 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100, सबक 1 को, सीख हम सबको। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।